विकास के लिए जी, उन्होंने विकास किया है, हर कॉलोनी पक्की कराई है, हर आदमी के लिए सुविधाएं दी हैं, इसलिए जी। अच्छा, क्या काम अच्छे लगे अभी? क्या काम के सभी काम अच्छे लगे हैं जी। उनके पास कोई भी गरीब आदमी जाता है, आधी रात को जाओ, बेड से उठाओ, रसोई में जाओ, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। उनको कॉलोनियाँ पक्की करवाई हैं, पानी दिलवाए हैं, गांव के अंदर स्वच्छ जल दिया है, इसलिए जी। मतलब नेताओं वाली अकड़ नहीं है उसमें? उसमें नेता वाली कोई अकड़ नहीं है। एक वो आम आदमी है, और आम अकड़ का तो कोई नाम ही नहीं। जैसे कि मंत्री के पास कोई जाता है तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, दो दो दिन टाइम नहीं देते। इनके पास कोई नेता वाली कोई बात नहीं है, तो काम आम जैसे चौकीदार या आम आदमी का दरवाजा खड़खड़ा दिया, जब अंदर गए और अपना काम कराया। महिपाल डांडा जी बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं, इनसे स्वच्छ साफ सुथरा व्यक्ति शायद हरियाणा में कोई दूसरा दिखाई दे। इतने अच्छे स्वभाव के तीनों भाई अपने पूरे हलके के जो लोग हैं उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। 10 साल पहले अगर हम अपनी कॉलोनी की बात देखें तो वहाँ जाने के रास्ते भी नहीं थे। इन 10 साल में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी अनदेखा करके जो ग्रामीण का सार्वजनिक विकास किया है उसको देखते हुए हम इनको तीसरी बार भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसा हलके की जनता का विश्वास है।